अगर आपका पेट ठीक ढंग से साफ नहीं होता तो पूरे दिन आपके माइंड में वो ही बात चलती रहती है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आप कितने भी काम को करोगे तो उसमें आपका पूरा मन नहीं रहता और आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, आपका स्वागत है योगा जर्नी विद आशीष में। आज हम बात करेंगे पेट के ऊपर। आपको चाहे कब्ज़ की दिक्कत है, खाना सही से नहीं पचता, चाहे आपको गैस रहता है, चाहे आपका पेट सही से साफ नहीं होता, या आपको खाना खाने के तुरंत बाद वॉशरूम के लिए जाना होता है, या जिसको बोलते हैं कि IBS की प्रॉब्लम है, या मतलब बड़ी आंत में घाव है, या फिर आपको अल्सर की जैसी दिक्कत है, तो आपको उन सारी चीज़ों के ऊपर हम कौन से आसन कर सकते हैं, किस चीज़ तरीके से अपनी बॉडी को, अपने पेट को हम ठीक कर सकते हैं, जानेंगे सारी चीज़ें इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको, अगर आपका पेट ठीक नहीं रहता तो मैं आपको सिर्फ एक आसन बताऊंगा, उसको तीन चार वेरिएशन, तीन चार तरीके से बताऊंगा। इसमें हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो पेट खराब है उसके लिए भी, दूसरा जिसको नाभि की प्रॉब्लम है, जिसकी नाभि ठीक नहीं रहती है, नाभि का पता नहीं चलता कि नाभि हमारी ठीक है या नहीं, दोनों चीज़ें इसी एक वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन में अपने दोनों हाथों के अंगूठों को, सबसे पहले नॉर्मली बताता हूँ मैं, सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, सीधे हाथ को अपनी नाभि पर, उसके बाद उल्टे हाथ को इनहेल करना है, एक्सहेल, पेट खाली पूरा, सांस को बाहर छोड़ के रोक देंगे, उसके बाद दबाएंगे नीचे, एल्बो से ऐसे पेट को दबा के रखना है और फोरहेड को नीचे, यहाँ पे सांस को बाहर रोक के जितनी देर तक आप रुक सकते हैं रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर ऐसे ही हाथ को चेंज करके इनहेल करेंगे, एक्सहेल पेट खाली और झुकाएंगे आगे, एल्बो से पेट को टाइट दबा के रखेंगे और फिर नीचे। ये सबसे नॉर्मल है, सबसे पहला वेरिएशन है मंडूकासन का। उसके बाद अभी हम दूसरा वेरिएशन बताएंगे, उसमें थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अपने दोनों हाथों अंगूठों को ऐसे, दोनों मुट्ठियों को, दोनों फिंगर्स को ऐसे मिला लेंगे और अंगूठे वाले हिस्से को नाभि पे लगाएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करके पेट को पूरा खाली कर देंगे और एक्सहेल करके सांस को बाहर रोक के इतना दबा सकते हैं, झुका सकते हैं, आगे झुकाएंगे, होल्ड करेंगे, ब्रीथ को आउट रखना है, होल्ड करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको फील होगा कि आपकी नाभि की धड़कन यहाँ पे बोलेगी, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, जिनको ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि हमारी नाभि किधर है, कहाँ बोलती है, तो यहाँ पे उनको फील हो पाएगा कि उनकी नाभि की धड़कन यहाँ पे बोलती है। उसके बाद सांस भरते हुए वापस आ रहेंगे। इसके बाद इसको और अच्छे से करने के लिए सिर्फ एक हाथ को रखेंगे ऐसे, दूसरे हाथ की हथेली को ऐसे नाभि पे रखना है, सब में वही कंडीशन रहेगी, इनहेल करना है, एक्सहेल करने के बाद ही आगे झुकना है सांस को बाहर रोक के, पेट खाली, इसमें आपकी धड़कन और तेज धड़कती है नाभि की, तो इसमें आप फील कर पाओगे कि आपकी नाभि सेंटर में है या साइड में है। अगर वो साइड में भी होगी तो इसे करने से आपकी नाभि सेंटर में आ जाएगी और आपकी पेट की जो भी समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। सांस को बाहर रोक के रखना है, इनहेल करते हुए वापस आना है। इसमें सांस आप चाहे तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 25, 30, 40 सेकंड, जितनी देर आप आसानी से रोक सकते हो रोकेंगे, जबरदस्ती ना करें। वापस धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आना है और उसके ऊपर, उसके बाद रिलैक्स। तो पहला हो गया मंडूकासन के, तीन वेरिएशन है, पहले हाथों को ऐसे, दूसरा अंगूठों को ऐसे, तीसरा हथेली को। तो इसको भी दोनों हाथों से दो दो बार करना है, सभी को दो दो तीन तीन बार कर लेंगे। उसके बाद एक ट्विस्टिंग कर लेंगे। ट्विस्टिंग के लिए सबसे अच्छा है राइट नी को ऐसे बैंड करके, राइट हैंड को पीछे, नीचे वाला पैर का पंजा अंदर की तरफ रहेगा, घुटने को ऐसे सीधा पेट के साथ, कमर को सीधा रखना है, ऐसे झुका के नहीं रखना है, कमर को सीधा, चेस्ट ओपन, शोल्डर पीछे, इनहेल करके लेफ्ट हैंड ऊपर, एक्सहेल करके दबाना है, यहाँ ट्विस्ट करना है। आप चाहे तो एल्बो को ऐसे बैंड कर सकते हो, चाहे तो हाथ को सीधा और दूसरे हाथ की मदद से चेस्ट को ओपन करते हुए पीछे ट्विस्ट करना है,
इसमें कंफर्ट हो तो नीचे वाले पैर के घुटने को पकड़ लेंगे और वापस पीछे, ब्रीथिंग नॉर्मल होल्ड करेंगे इसमें जितना आप देर रुक सकते हो, 15-20 सेकेंड। ट्विस्टिंग आसन में आप जितना आराम से इतनी देर तक रुक पाओ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपके पेट के सभी इंटेस्टाइन, सभी लीवर, किडनी, आपके पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको अच्छे से मसाज देता है, उनको ट्विस्टिंग करता है और जो भी गंदगी पेट में इकट्ठी होती है उसको बाहर निकाल फेंकता है। ऐसा ही हम दूसरी साइड से करेंगे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल करके ट्विस्ट करेंगे। चाहे तो हाथ ऐसे या फिर आराम से कर सकते हैं तो ऐसे, या फिर हाथ को पूरा सीधा करके पकड़ लेंगे, पैर को होल्ड करेंगे गर्दन पीछे। पंद्रह बीस सेकेंड रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। और तीसरा बताएंगे हम पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन में जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा अलग बताऊंगा और जो एडवांस कर सकते हैं वो देखेंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले जो बिगिनर हैं वो हल्का सा नी बेंड कर लेंगे ऐसे, क्योंकि वो शुरुआत में पूरा आगे नहीं झुक पाएंगे, तो धीरे धीरे करना है प्रैक्टिस को। सांस भरते दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए पूरा आगे जाना है, हाथों को आगे की तरफ बढ़ाना है, खींचना है स्पाइन को आगे। और एक्सहेल करते हुए जहाँ तक भी आपके हाथ जाते हैं वहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे कोशिश करें कि आपका पेट आपके थाइस से मिल जाए। एक्सहेल करके सांस को बाहर छोड़ेंगे, उसके बाद ब्रीदिंग नॉर्मल, सांसों को नॉर्मल कर देंगे और जहाँ तक भी आपके हाथ जाते हैं ले जाएंगे, होल्ड करेंगे। अगर आप पैरों को पूरा खोल सकते हो तो पूरा खोलेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे सांस भरते ऊपर, हाथों को पूरा ऊपर खींचना है। एक बार गर्दन को उठाएंगे ऊपर, इससे कि आपके शोल्डर भी ओपन होंगे, जाते जितना आप पीछे जाओगे उतना ही आप आगे झुक पाओगे। तो इसी को करना है। ये तीन आसन मैंने बताए हैं, पहला मंडूकासन के 3-4 वेरिएशन जो भी हैं, उसके बाद ट्विस्टिंग आसन, और तीसरा है पश्चिमोत्तान आसन। आपके पेट की जो भी समस्या है, चाहे आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, खाना सही से नहीं पचता है, बार बार टॉयलेट के लिए जाना जाता है, दिन में 4-5 बार टॉयलेट के लिए जाना होता है, खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट के लिए जाना होता है, तो वो सभी समस्याएं इनसे दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप एक उपयोग और कर सकते हो, बिलवादि चूर्ण आता है जो बेल का चूर्ण होता है, चाहे तो आप बेल को सुखा के घर पे पाउडर बना लो, या पतंजलि का किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आप लेके आ सकते हो। बिलवादि चूर्ण जो बेल का चूर्ण होता है उसको रात को 1 चम्मच पानी को भिगो दो, 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चूर्ण को, सुबह उसको अच्छा थोड़ा सा उबाल के और उसको सिप सिप करके पीना है। इससे भी आपके पेट की जो भी समस्याएं हैं ठीक हो जाएगा। आप देखोगे 3-4 दिन में आपको इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मुझे भी ये कुछ समस्याएं पहले थी तो मैंने भी अपने ऊपर ये उपयोग किया है, उसी के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप भी आप इस उपयोग करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, और जिसको भी इसकी वीडियो की ज़रूरत हो आप उस वीडियो को लोगों तक शेयर कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो पेट के ऊपर। तो आप अपने पेट को स्वस्थ रखिए, क्योंकि पेट ही बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चाहे आप कितने भी महंगे से महंगे प्रोडक्ट खा लीजिए, अगर आपका पेट सही से उसको पचा नहीं पाएगा तो आपकी बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं करेगी, और जब बॉडी में ही नहीं जाएगा तो आप कितनी भी महंगी चीज़ें खा लो वो सब बेकार है। तो सबसे पहली चीज़ आपको अपना पेट जरूर क्लीन रखना है। हफ्ते में एक बार हो सके तो आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते, चाहे पानी के अंदर या गुनगुने दूध के अंदर। उससे क्या होगा, हफ्ते में एक बार आपकी वीकली अच्छे से पेट की सफाई हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको कुछ ध्यान रखनी है, और जो 3 आसन बताएं वो आसन करने, और आपके पेट की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बिना नहीं जाइएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।